पीरियड्स के दौरान ज्यादातर महिलाएं और लड़कियों के पैरों में अक्सर दर्द हो जाता है, साथ ही साथ शरीर के कुछ अंगों में अकड़न की शिकायत होती है। पीरियड से पहले पैरों में दर्द की शिकायत अक्सर हो जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोजन प्रोटेस्टेरोन का लेवल कम होता है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन पीरियड्स के अंत में इसका लेवल बढ़ जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस के कई कारण हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की शुरुआत होती है। इस दौरान तेज दर्द महसूस होता है। ये दर्द एक या दोनों पैरों में महसूस हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ दर्द भी गंभीर रूप से बढ़ सकता है। पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए आप हॉट वाटर बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही गर्म पानी का बोतल भी आप यूज कर सकते हैं। करवट लेकर सोएं, इससे दर्द आपको कम होगा, नसों को आराम मिलेगा। साथ ही पानी में नमक मिलाकर पैरों पर रखें, पैरों को दीवार पर लगाकर सोएं, इनसे भी आपको राहत मिल सकती है। पीरियड्स में दर्द नॉर्मल है, लेकिन काफी ज्यादा बॉडी पेन और दर्द से भरा पीरियड सामान्य बात नहीं है। हालांकि पीरियड्स में अक्सर ऐंठन और दर्द सही नहीं माना जाता है, काफी ज्यादा दर्द गंभीर बीमारी का संकेत दे सकती है, इसलिए हमने पीरियड्स में होने वाले दर्द के बारे में भी सब कुछ जानने की जरूरत है। अगर आप पीरियड्स से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पर जाकर उन्हें सर्च कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।